दक्षिण बाहु थे, प्रकांड विद्वान थे और स्वामी कृपात्री जी के प्रति बड़े समर्पित थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, पंडितों के बीच में चर्चा छिड़ गई है कि ऐसे तो स्वामी जी संस्कृत ही बोलते, हिंदी बोलते ही नहीं, पर बीच बीच में पता नहीं उनको क्या आता है। वो तुलसीदास जी के वचन उद्धृत करते हैं, वो तो सब भाषा में है, हिंदी में है, तो क्या स्वामी जी का व्रत भंग नहीं होता? पर संकोच के कारण कोई आपसे कहता नहीं, लोग मुझसे कहते हैं, अब मैं आपसे संकोच करता नहीं, तो आप इसका समाधान करना। काशी के पंडितों में ये चर्चा छिड़ी हुई है। रघुवंश महाकाव्य जब आपने लिखा तो आपके उस रोग की निवृत्ति हुई, ऐसा प्रसिद्ध है। पर गोस्वामी जी का केवल श्रीमद् रामचरितमानस ही नहीं, उनके संपूर्ण काव्य में वर्ण का, अर्थ का, वर्णार्थ समूह का, रसों के समूह का, छंदों का, सर्वत्र अत्यंत सुरीत्या निर्वाह किया गया है। कहीं भी कोई इस प्रकार की बात गोस्वामी जी के साहित्य में नहीं है जो अमर्यादित हो अथवा जो ग्राह्य न हो, ऐसी कोई बात, अथवा कोई ऐसी बात नहीं जो कल्पित हो, शास्त्रानुकूल न हो। ये गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य है। दो महापुरुषों की बात हम आपको बता रहे हैं। एक इस देश के यतिचक्र चूड़ामणि, महान गोभक्त, महान धर्मनिष्ठ धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज, वे कहते थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, स्वामी कृपात्री जी कहते थे कि महात्माओं की वाणी सब ठीक हैं, बहुत अच्छी हैं, पर 16 आना किसी भी महात्मा की वाणी हमारे अनुकूल नहीं पड़ती है। क्या कहते थे? 16 आना किसी भी महात्मा की वाणी हमारे अनुकूल नहीं पड़ती है। कहीं न कहीं चाहे तो हमारी समझ का फेर है, हमको लगता है कि ये बात शास्त्र की कसौटी पर खरी नहीं है, इसलिए अनुकूल नहीं पड़ती। इसलिए जितना अंश शास्त्र के अनुकूल ग्राह्य है मैं उतना ही अंश लेता हूं, उससे अधिक नहीं लेता, उससे अधिक का अधिक को उद्धृत नहीं करता हूं। एक स्वामी कृपात्री जी ने कहा, केवल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे संत हैं कि जिनका संपूर्ण साहित्य वेदादि शास्त्रों के सर्वथा अनुकूल है, इसलिए 16 आना किसी संत की वाणी जो हमें स्वीकार्य है तो वह केवल गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की वाणी। वे काशी में चातुर्मास्य करते थे, तो चातुर्मास्य के समय हिंदी नहीं बोलते थे, संस्कृत ही बोलते थे। प्रवचन भी उनका ज्ञानवापी में होता था तो संस्कृत में ही प्रवचन होता था, हिंदी में नहीं। काशी के गिने चुने विद्वान उनके प्रवचन में उपस्थित होते थे। 2 महीने का चातुर्मास करते थे, वो संस्कृत ही बोलते थे, पर अपने संस्कृत वक्तव्य में वे बीच बीच में विनय पत्रिका की पंक्तियां भी कहते थे, कभी दोहावली कवितावली भी बोल देते और रामचरितमानस की पंक्तियां भी उद्धृत कर देते। तो श्री रामानुज संप्रदाय के एक बहुत बड़े विद्वान थे स्वामी श्री देवनायकाचार्य जी महाराज,
ऐसा लोग कहते थे कि कर्पात्री जी की वो दक्षिण बाहु थे, प्रकांड विद्वान थे और स्वामी कर्पात्री जी के प्रति बड़े समर्पित थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, पंडितों के बीच में चर्चा छिड़ गई है कि ऐसे तो स्वामी जी संस्कृत ही बोलते, हिंदी बोलते ही नहीं, पर बीच बीच में पता नहीं उनको क्या आता है। वो तुलसीदास जी के वचन उद्धृत करते हैं, वो तो सब भाषा में है, हिंदी में है, तो क्या स्वामी जी का व्रत भंग नहीं होता? पर संकोच के कारण कोई आपसे कहता नहीं, लोग मुझसे कहते हैं, अब मैं आपसे संकोच करता नहीं, तो आप इसका समाधान करना, काशी के पंडितों में ये चर्चा छिड़ी हुई है। तो स्वामी कर्पात्री जी ने अपने प्रवचन में कहा, यद्यपि भाषा है किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा को मैं वेद की ऋचाओं के समान आदर देता हूँ, इसलिए उनका कोई भी वचन उद्धृत करना मेरे व्रत भंग, मेरे लिए व्रत भंग कारक नहीं है। और मेरी अपनी कमजोरी है कि मैं बिना तुलसीदास जी का कोई उद्धरण दिए अपने प्रवचन को पूर्ण नहीं मानता। जब तक तुलसी बोले, तुलसी दल पड़ गया तब ठाकुर जी को भोग लगता है। तुलसीदास जी का साहित्य तुलसी दल के समान अद्भुत है। और कैसा शास्त्र ज्ञान है गोस्वामी तुलसीदास जी को, नहीं कहा जा सकता। आपको आश्चर्य होगा, अभी हमने श्रीमद् देवी भागवत का पारायण पूर्ण किया। देवी भागवत के अनेक स्थलों में रामचरितमानस की बात है। शायद कोई सनातन धर्म का ग्रंथ ही नहीं छोड़ा हुआ जहां से कुछ न कुछ उन्होंने न लिया हो, अथवा उनकी वाणी में ही सब आकर सम्मिलित हो गए हों, ऐसा विलक्षण है।